आधा कप तेल गर्म हो गया है, इसमें 2 टीस्पून जीरा ऐड करें। कुछ कड़ी पत्ते ऐड करें। 2 मीडियम साइज कटी हुई प्याज ऐड करें, जिसमें मैंने 2 हरी मिर्चियाँ भी काट दी है। आधा टीस्पून नमक डालकर प्याज को सॉफ्ट होने तक फ्राई करें। प्याज सॉफ्ट हो गई है, अब इसमें 1 टेबलस्पून कुटा हुआ अदरक लहसुन डालें। अदरक लहसुन लाल होने तक फ्राई करें। दो मीडियम साइज कटे हुए टमाटर डालें। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करें। 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर ऐड करें। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर ऐड करें। आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करें। मिक्स करें। आधा कप पानी ऐड करके मसाले को भून लें। कटा हुआ हरा धनिया ऐड करें। नमक ऐड करें टेस्ट के हिसाब से। 2 मीडियम साइज कटी हुई शिमला मिर्च, 2 कप फूल गोभी ली है कटी हुई, 1/2 कप हरे मटर, सब कुछ धो दिया है, ऐड करते हैं। मिक्स करें। अब इसको 5 मिनट तक सिम पर पकाएं। 5 मिनट बाद 100 ग्राम धुला हुआ झींगा ऐड करें। दो बड़े बड़े आलू चॉप करके फ्राई कर दिए हैं, वो भी ऐड करें। मिक्स करें। 3 मिनट तक इसको लो फ्लेम पे पकाएं। 3 मिनट बाद पानी इसका सुखा लें, हाई फ्लेम करके पानी सुखा लें। पानी सूख चुका है, फ्लेम ऑफ करें।